नमस्कार मित्रों, आज हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम से एक प्रश्न हल करेंगे। थेवेनिन्स थ्योरम में की मदद से हम आर रेजिस्टेंस के थ्रू कितनी करंट फ्लो हो रही है वो निकालेंगे। तो थेवेनिन्स थ्योरम का सूत्र ये होता है, आई इक्वल टू वी टी एच बाय आर टी एच प्लस आर, है ना। तो हमें यहाँ पर I निकालने के लिए VTH और RTH पता करना पड़ेगा। R हमें पता है 30 ओम है ना। तो पहले VTH पता करते हैं। VTH पता करने के लिए जो रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस पता करना है उसको मिटा दिया जाता है, और फिर इस पॉइंट A और B के अक्रॉस हमें वोल्टेज पता चलेगा, है ना। तो ये देखिए, मान लीजिए कि इसको ग्राउंड मान लेते हैं, तो बी पॉइंट जो है वी बी वो जो है 190 वोल्ट है, है ना। और ए पॉइंट हमें पता करना है वी ए कितना है। तो वी ए के लिए इस बाहर वाले लूप में किरचॉफ लूप रूल लगाते हैं। तो किरचॉफ लूप रूल में ये होगा कि मान लीजिए यहाँ से आई करंट जा रही है ना। तो ये होगा किरचॉफ लूप रूल में 150 वोल्ट इक्वल टू 15 आई प्लस यहाँ पर इस पॉइंट पर 13 एम्पियर मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर फॉल कितना होगा, 60 इंटू 13 प्लस आई। तो प्लस 16 इंटू 13 प्लस आई प्लस 40 इंटू 30 प्लस आई, है ना। प्लस 40 इंटू 13 प्लस आई, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि 115 आई प्लस 13 इंटू 60 प्लस 40 जो कि होगा 1300, है ना। तो आई की वैल्यू इधर से आएगी 150 माइनस 1300 अपॉन 115, है ना, जो कि होगा 1150 अपॉन 115 जो कि होगा माइनस 1150 अपॉन 115 जो कि होगा कितना, माइनस 10 एम्पियर, है ना। इसका मतलब माइनस साइन का क्या अर्थ है कि ये आई का जो हमने डायरेक्शन माना है वो सही नहीं है, एक्चुअल में करंट उल्टा फ्लो होगी, है ना। तो उल्टा फ्लो होने का क्या अर्थ है कि जब आई इस लूप में ऐसे फ्लो होगी तो यहाँ पर करंट जो है वो कितना फ्लो हो रही थी, इस दिशा में 13 प्लस आई, है ना। इस दिशा में कितनी फ्लो हो रही थी, 13 प्लस आई, और आई कितना है, माइनस 10 है। तो यहाँ पर करंट कितना फ्लो होगी, इस दिशा में 13 माइनस 10 यानी कि 3 एम्पियर्स, है ना। तो एक मिनट, ये 3 एम्पियर्स। तो VA कितना होगा, VA इक्वल टू यहाँ ग्राउंड पर पहुँचने के लिए ग्राउंड से कितना अतिरिक्त है, 40 ओम्स इंटू 3 एम्पियर्स, है ना। तो वी ए होगा 120 वोल्ट, ठीक। तो वी बी होगा 190, वी ए होगा 120 वोल्ट। इसी प्रकार हमें आर टी एच
जब निकालना होता है, तो RTH निकालने के लिए थेवेनिन थ्योरम के अनुसार हम एक अच्छी चीज़ करते हैं, हम जितने करंट सोर्सेस हैं उनको ओपन सर्किट्स मान लेते हैं। तो करंट सोर्सेस को ओपन सर्किट मान लिया गया और जितने वोल्टेज सोर्सेस हैं उसको हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, है ना। और फिर हम इसके अक्रॉस पॉइंट ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो पॉइंट ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगा, पॉइंट ए और बी जो है वो आप अगर ध्यान दें कि यहाँ से अगर करंट जा रही है तो यहाँ पैरेलल में दोनों तरफ बढ़ जाती है और फिर यहाँ पर आके मिल जाती है, है ना। तो ऐसा माना जा सकता है ये कि ये बी पॉइंट यहाँ जो है वो यहाँ के बजाय बी पॉइंट जो है इसको, ये भी माना जा सकता है कि बी पॉइंट जो है यहाँ कहीं है, है ना। तो एक तरह से जो है 40 ओम पैरेलल में कितने के, 15+60 के, है ना, या फिर 40 ओम पैरेलल में है 75 ओम के। तो RTH कितना होगा, 1/RTH इक्वल टू 1/40+1/75, है ना। ये कितना होगा, इसका अगर हम इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये होगा 75+40/75×40 जो कि इसका मतलब कि RTH अगर निकाला जाए तो वो होगा 75×40/115, है ना। तो 75×40/115 ये यदि आप देखेंगे तो ये होता है 20, और ये करीब करीब आता है 5 से 23 और 5 8, ये आता है, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर का सहारा ले रहा हूँ, मेरे पास बगल में रखा हुआ है, तो ये आता है करीब 26 ओम्स, ओके 26 ओम्स। तो RTH कितना हो गया, 26 ओम्स। तो हमारे पास अब VTH, RTH और R तीनों आ गए हैं, तो VTH कितना है, यहाँ पर VTH है VAB, है ना। तो VAB जो है, VAB कितना है, यहाँ VAB है VA-VB जो कि कितना है, -70 वोल्ट, है ना। तो VAB जो है वो VA-VB है, यही VTH है, ठीक है। तो यहाँ पर I इक्वल टू कितना है, VTH है -70 वोल्ट/RTH+R। RTH कितना था, RTH हमने यहाँ पर निकाला है 26 ओम्स, 26 ओम, और R जो है 30 ओम दिया हुआ है, तो 26+30 जो कि 56 ओम, है ना। ये I की वैल्यू देता है 10/8 जो कि है 1.25 एम्पियर, माइनस साइन में भूल गया था, तो -1.25 एम्पियर का ये अर्थ है कि करंट ए से बी की तरफ नहीं बल्कि बी से ए की तरफ फ्लो हो रही है इस सर्किट में। इसका मतलब कि करंट इस दिशा में
बी से ए की तरफ 1.25 एम्पियर फ्लो हो रही है। अगर आपको कोई शंका हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।